हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मॉडल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द दिस टॉपिक. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल्स? तो पहले तो मैंने आपको समझाया कि मॉडल्स और मॉडल दोनों में आप कैसे डिफरेंस करेंगे बाय स्पेलिंग. ठीक है, देन मैंने बताया था कि मॉडल्स क्या है. मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब एज अ, वो भी एक वर्ब है. मॉडल्स भी क्या है? एक वर्ब है, बट ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मेन वर्ब के साथ जो है एड ऑन होता है. ठीक है, जैसे मेन वर्ब क्या है? ईट, ड्रिंक, रन, रीड, है ना, कुक, स्लिप, ये सारी चीज़ें जो ये एक्शंस हैं, ये मेन वर्ब है. उसके साथ में जो है हम इसको ऐड करते हैं. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, इतना आप लोग को जो है क्लियर है. और मॉडल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? होप आप लोग को जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस, ऑब्वियसली सेंटेंस या किसी की भी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको जो है इन्हांस करने के लिए, उसके उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए जो है हम लोग मॉडल्स का जो है वो यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और क्या होता है कि मॉडल्स हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें ये शो करना होता है कि स्पीकर जो है, जो बोल रहा है, उसका मूड या उसका एटीट्यूड, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम इस इन वर्ड्स का जो है हम हेल्प लेते हैं. ओके, सो यू हैव, होप यू हैव सॉर्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स. ओके, सो उसके बाद हमने देखा कि क्या है मॉडल्स. मॉडल्स में कितने वर्ड्स होते हैं? सी, मॉडल्स में जो है हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही प्रारंभिक, ये काफ़ी इनिशियल वर्ड्स है ये सारे. ओके स्टूडेंट्स, कैन, मस्ट, कुड, नीड, मे, शैल, माइट, शुड, विल, वुड, ये सब जो है ये काफ़ी इनिशियल वर्ड्स हैं. बहुत ही बेसिक वर्ड्स है ये. ओके, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ क्लासेस बढ़ते जाएंगे, आप जो है ये सब जो ये वर्ड्स है इसमें और भी वर्ड्स जो हैं वो एड ऑन होते जाएंगे. बेसिक जैसे कि ऑट टू हो गए, फिर हैव टू, हैज टू, ठीक है, और भी शैल, विल, ये शैल विल तो है, और भी जो चीज़ें हैं बहुत अभी जो है ये और भी वर्ड्स जो है इसमें ऐड होते जाएंगे. तो ये इतने वर्ड्स जो है ये आपके बेसिक वर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने पढ़ा कैन और कुड के बारे में. ठीक है, तो कैन और कुड भी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. तो कैन और कुड देखिए इसमें क्या दिखा, इसमें होता है, इसमें पॉसिबिलिटी शो करता है कि इवेंट के बारे में, इवेंट या एक्शन के पॉसिबिलिटी के बारे में जो है वो कैन और कुड से हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि जो कुड है वो कैन का क्या है? पास्ट वर्जन है. ठीक है, पास्ट फॉर्म है कैन का कुड. ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को कि जहाँ पे भी आप लोग को समझ में आएगा कि ये पास्ट है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो अब वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? आप वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे. ठीक है, इतना आप लोग को होप समझ में आ गया. इसके साथ में कैन से ज़्यादा पोलाइट, जब हम मान लीजिए हम लोग
किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, इसमें था ना ग्रांट परमिशन। तो सी यहाँ पे क्या है, कैन आई यूज़ योर फोन, ठीक है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक ये जो पूछ रहा है ये कैजुअल वे में पूछ रहा है, क्या मैं फ़ोन यूज़ कर सकता होगा कैजुअली। लेकिन सपोज़ अगर आप अपनी टीचर या आपसे कोई बड़ा हो, ठीक है, आपके पड़ोस की आंटी हैं या आपके दादाजी या कोई आपसे जो बड़ा है जो कि रिस्पेक्टेबल है, तो क्या आप उससे बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर दिस एंड दैट वॉट एवर, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। उस टाइम आपको क्या करना है, वहाँ पे एक्स्ट्रा पोलाइट शो करना है, राइट। तो जब एक्स्ट्रा पोलाइट आप यूज़ करेंगे तब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको पोलाइटनेस जो है शो करना है, देन ओनली यू हैव टू ऐड और यूज़ कुड इन इन जो भी सिचुएशन है या जो भी सेंटेंस है उसमें ऐड करेंगे। समझ आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? इसके बाद एबिलिटी, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि कुड कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे, और जब प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तब हम वहाँ वहाँ पे कैन यूज़ करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर हम एक एक वर्ड बोले कि रोहन के पिता जो है वो स्विम करते थे, बहुत अच्छा स्विम करते थे जब वो छोटे थे, तो ये क्या हुआ, ये पास्ट हुआ, राइट। तो इस जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे ना कि कैन, क्योंकि उस टाइम में एबिलिटी दिखाई रहा है, उसमें शो कर रहे हैं ना कि एबिलिटी, वो कितने एबल थे स्विम करने के लिए, है ना। बट वहाँ पे हम लोग कुड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर इसी सेंटेंस को लीजिए, रीता कैन सिंग वेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रीता अच्छा गा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है लगा है, दैट इज मीन ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कैन और कुड परमिशन ग्रांट हो गया। सो इतना होप आप लोगों को कल हमने यहाँ तक ही लास्ट जो है, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस में यहीं तक रीड किया था, डिस्कस किया था। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मे एंड माइट के बारे में, ठीक है। तो मे एंड माइट जो है क्या है ये, तो मे में देखिए इसमें क्या लिखा है, मे इज़ यूज्ड टू इंडिकेट परमिशन, ठीक है। तो मैंने कल भी शायद आप लोग को बताया था कि मे हम कहाँ करते हैं, एक्स्ट्रा पोलाइट के लिए, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा पोलाइटली, मान लीजिए अब एक रूम है वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो जनरली अगर पहली बात तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर परमिशन की ज़रूरत है तो आप कैसे बोलेंगे, कैन आई कम इन, ऐसे ही बोलेंगे ना, कैन आई कम इन। तो लेकिन मे का हम यूज़ कब करेंगे, आप लोग जब वॉशरूम के लिए जाते हैं या ड्रिंक वाटर के लिए जाते हैं तो आप लोग टीचर से क्या पूछते हैं, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्यों आप लोग ये नहीं बोलते हैं मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, नहीं बोलते ना आप, यही बोलते ना, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई कम इन, है ना। क्योंकि आप लोग को क्या है, आप परमिशन की आप ग्रांट कर रहे हो ना, सॉरी आप आस्क कर रहे हो ना, आप पूछ रहे हो ना कि क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, इसमें एक पोलाइटनेस है। तो हम जब भी अपने से बड़े के लिए जब भी ऐसा कुछ परमिशन जो है आस्क करते हैं तो हमेशा हम क्या लगाते हैं उसमें, उसमें हम लोग मे का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए मे शोज़ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो क्या है पॉसिबिलिटीज़, द मैच मे बी कैंसल्ड। तो अभी भी ये श्योर नहीं है,
इसमें जो है कि जो मैच है वो कैंसिल हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है, अभी भी वो श्योर नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि मैच कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ भी मतलब श्योर नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ जब श्योर नहीं होते हैं तब वहाँ पे हम लोग मे यूज़ करते हैं कि द मैच मे बी कैंसल्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही, तो इसी तरह जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाते हैं, इट्स रेनी सीजन, इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेनी सीजन है और शायद आज क्या हो, बारिश हो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो, तो पॉसिबिलिटीज दिख रही है, ठीक है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं बट मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, मे का यूज़ हम लोग क्या कर कब करते हैं। मे का यूज़ हम लोग किसी को ब्लेसिंग या किसी को विशेस देने के लिए भी करते हैं, राइट। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम सेंटेंस में मे यूज़ करते हैं, है ना, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स, मे लॉन्ग लीव, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो किसी को ब्लेसिंग या कोई विशेस जब हम लोग मतलब एक्सप्रेस करना होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या हम कभी किसी को ऑर्डर करते हैं, यू मे गो नाउ, यू मे सिट हियर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो इस टाइम पे भी हम लोग मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है। मॉडल्स आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू एवेल्यूट दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन एग्जैक्टली। ओके, मॉडल्स जो है वो इसीलिए होता है कि सिचुएशन को मॉडिफाई करने के लिए उसको जो है उसका जो एवेल्यूट करके उसको कम ज़्यादा करने के लिए जो है मॉडल्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, अब क्या है, माइट, माइट इज़ यूज टू शो अ पॉसिबिलिटी दैट इज डाउटफुल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज जो है वो मे में भी है ना, पॉसिबिलिटी जो है वो कैन में भी है ना। तो अब माइट का क्या है, माइट का है कि मतलब वो पॉसिबिलिटी तो है, मतलब हाँ भी नहीं भी, लेकिन क्या है, नहीं जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब वो पॉजिटिविटी, मतलब उसमें जो है मान लीजिए वो कोई चीज़ होगा तो उसका मतलब बिल्कुल भी परसेंटेज जो है बिल्कुल भी कम है, पॉसिबल होने की जो संभावना है वो बिल्कुल भी कम हो, डाउटफुल हो, तब हम वहाँ पे माइट यूज़ करते हैं। दे माइट गो टू द म्यूज़ियम टुमारो, शायद ही कल वो म्यूजियम जाए, समझ रहे हैं आप। माइट का यूज कहाँ पे हो रहा है, माइट का यूज हो रहा है मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन बिल्कुल कम है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है माइट का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके साथ में मैं आप लोग को कुछ और दिखाना चाहूँगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगी, तो शायद इससे जो है आपका और भी इजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही सेंटेंस है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में है लेकिन ये जो है अलग अलग बस मॉडल्स के वजह से ये सेंटेंस जो है चेंज हो गया है, और इसके साथ में ही क्या हुआ है, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये बिल्कुल डिटरमाइन है, बिल्कुल भी वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके इससे इस सेंटेंस से पता चलता है कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, ये उठा ही लेगा, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं उठा सकता हूँ लेकिन मुझे जो है 20% डाउट है कि मैं नहीं उठा सकता, बाकी 80% आई एम कॉन्फिडेंस दैट आई कैन लिफ्ट, मतलब आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है।
जब भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप एवल्यूट करिएगा, एवल्यूट करके कभी किसी से बोलिएगा कभी भी अगर ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करना है। सेकेंड देखिए, थर्ड क्या है, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब आप 50-50 हैं, पॉसिबिलिटी है आप उठा भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आप नहीं भी उठा सकते हैं, मतलब 50-50 है आप सिचुएशन में 50-50। फिर क्या बोल रहे हैं, आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब 70% मैं नहीं उठा सकता और 30% शायद ही मैं उठा सकता, आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स है ना, तो मतलब शायद ही उठा सकता हूँ। ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं, मतलब सिचुएशन क्या है, 70% ना एंड 30% यस की कंडीशन में है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम कल जो है वुड के ऊपर फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।